के तो दर्शन हो गए। तो अभी समय है नाभीडांग से निकलने का और सीधे जाने का काली माता टेम्पल। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे पहाड़ों में मैंने एक चीज़ देखी, जैसे जैसे धूप आती है वैसे वैसे ठंडी हवा आने लग जाती है, तो वैसे यहाँ पे भी अभी ठंडी हवा चलने लग गई है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे और दर्शन करते हैं काली माता मंदिर में जाके, काली माता के। चलो भाई, अभी का नज़ारा बिल्कुल अलग ही होगा आप लोग देखोगे तो। हम वापस डाउन जा रहे हैं और अब सामने आप लोग देखोगे तो वापस से बर्फ़ के पहाड़ देखोगे और एक अलग नज़ारा वैली का। मतलब ऐसे आदि कैलाश से ज़्यादा ठंडा तो मतलब अभी लग नहीं रहा है, पर यहाँ पे भी ठंडा है बेसिकली, ये कह सकता हूँ मैं। फोटो में देखने में अलग लगता है भाई, पास से आप देखो ना तो भाई एक अलग ही फील है। सही बताऊँ तो फोटो और रियलिटी में डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कसम से। दोनों भाई चलने में लगे हैं, चलने में लगे हैं। यहाँ पे तो पाला भी है, भी याद है। ये वाला पाला अभी तक नहीं पिघला, देख रहे हो, ये वैसा का वैसा ही है अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट। भाई एक चीज़ है, देखो जब आप लोग ऊपर की ओर चढ़ते हो ना और फिर नीचे की ओर जाते हो, दोनों बार नज़ारा अलग अलग होता है। अभी जब हम ऊपर आ रहे थे हमें ये पीछे के पहाड़ ऐसे विजिबल नहीं हो रहे थे, अब जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे के सारे पहाड़ भाई बर्फ़ से ढके हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, एकदम नुकीले नुकीले पहाड़ है ये सारे के सारे। लेफ्ट देखो या सामने देखो या राइट वाले देखो, भाई मस्त सीन है यार। लैंडस्केप तो बहुत ही प्यारा है, हालांकि चुनौती यहाँ पर अपनी जो है वो अलग ही है और अलग लेवल की भी है। आ चुका है डाउन वापस से वैली की साइड को नीचे और अब हमें जाना है थोड़ा सा आगे यहाँ से, लगभग मेरे ख्याल से 2-3-4 किलोमीटर आगे होगा करीब काली माता का जो मंदिर है, और शायद वहाँ पे धूप आ गई हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ अभी धूप आई होगी या नहीं आई होगी, बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के। ये पहुंच गए हम काला पानी और यहाँ पे अब हम आपको दर्शन कराएंगे थोड़ी ही देर में काली माता मंदिर। क्या बात है, यहाँ धूप आई नहीं आई यार, धूप नीचे मेरे ख्याल से जहाँ पे मंदिर है शायद वहाँ पे धूप अभी भी नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सूरज हमारे लेफ्ट साइड है, क्या पता यार, बाकी तो देखते हैं। तो काला पानी पे जो पहली चेक पोस्ट पड़ती है वहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो वापस से नोट करते हैं व्हीकल नंबर वगैरह, और उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, प्रसाद में हलवा था, तो अब मुझे लगता है शायद यहाँ पे भी हमें दोबारा से एंट्री करानी पड़ेगी या नहीं, पता नहीं, देखते हैं। हेलो भाई, तो हम पहुँच गए फाइनली काला पानी और यहाँ पे है काली माता का मंदिर, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से व्यास गुफा भी दिखाएंगे। और यहाँ पर धूप आ गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर धूप आएगी, पर यहाँ पर धूप आ चुकी है अभी, और बाइक खड़ी करते हैं साइड में, अभी इधर यहाँ साइड में खड़ी करते हैं और चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं काला पानी में जो काली माता का मंदिर है उसके पास, और जूते खोलने के लिए अंदर वहाँ पे है वैसे स्पेस, और फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा, मैंने सोचा कि आप लोगों को जो नज़ारा है वो दिखा दूँ मैं किस तरीके का नज़ारा है। ये देखो आप, बढ़िया सा नज़ारा है, और ये जो आपको नदी आते हुए दिख रही है ये है आपकी काली नदी। तो ऐसा कहा जाता है कि
ऋषि वेदव्यास ने यहाँ पर तपस्या की थी ताकि जो इंसान का जीवन इंसानियत के लिए बेसिकली आप कह सकते हैं कि खुशहाली के लिए, हरियाली के लिए, तो जो काली माता है वो उनके सपने में आई थी और उसके बाद ही यहाँ से नदी का इस तरीके से उद्गम होता है। तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके का है। अगर आप यहाँ से चलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर घंटियाँ ही घंटियाँ आपको दिखाई देंगी और अंदर की तरफ हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो ये आप देख रहे हो, ये है हमारे यहाँ पर, ये है मंदिर का परिसर और ये वाला है मेरे ख्याल से शायद मेन टेंपल, आपको अभी हम दिखाते हैं। और यहाँ से आप पूरा ये देख रहे हो, ये अंडरग्राउंड ऐसे करके पानी आ रहा है यहाँ से, ये है काली नदी। और आगे से आपको एक बार मैं चल के दिखाता हूँ, पहले जूते खोल लेता हूँ मैं। सबसे पहले जूते खोलने के लिए स्पेस यहाँ पर है वैसे, यहाँ पर जूते खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले कि मैं मंदिर में अंदर जाऊँ दर्शन करूँ, इससे पहले मैं आपको जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ का जो परिसर है, वो आपको एक बार दिखाता हूँ। तो हम लोग आए थे यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पर, यहाँ पे हमने जूते खोले और आगे से किस तरीके का है मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। एक यहाँ पे पेंटिंग्स भी बनी हुई, देखो शिव जी की, ये हो गई दुर्गा माता, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर आप लोग यहाँ से सीधे सामने देखें तो आपको वो नाग पर्वत दिखाई देगा, वो देख रहे हो सामने, वो वाला पर्वत है नाग पर्वत। और इधर से सामने की तरफ है व्यास गुफा, तो व्यास गुफा ना वो ऊपर की तरफ है, उधर की तरफ जहाँ पे ये पत्थर का कलर चेंज हो रहा है वो वहाँ पे उधर सामने की तरफ है व्यास गुफा। गोल एकदम दिखाई दे रही है छोटी सी, पता नहीं वहाँ पे कैसे गए होंगे वो, मेरी समझ से तो बाहर है भाई। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, अलग ही लेवल की एक शांति है। हनुमान जी की यहाँ पे पेंटिंग है, यहाँ पे हमारे श्री राम बहुत ही प्यारे। और ये रहा मंदिर का प्रांगण। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार ये भी दिखा दिया जाए। और अभी हम करते हैं दर्शन और उसके बाद हम सीधे निकलते हैं गुंजी के लिए और गुंजी से सीधे बैकपैक करते हैं और आज देखते हैं हम तवाघाट पहुँच पाते हैं। तवाघाट पहुँच गए तो मे बी हम तवाघाट ही स्टे करें, या तो तवाघाट स्टे करेंगे या तो हम तवाघाट से सीधे दारमा के लिए निकल जाएंगे, अभी कुछ श्योर नहीं है पर देखते हैं क्या होता है। आप लोगों से मिलते बाद में, बाय।